खबर दिनेशपुर से है। आपको बता दें कि दिनेशपुर के प्रभारी चिकित्सक की लापरवाही का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। दर्जन भर से अधिक शिकायती पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजा गया, जिसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग कार्यवाही के नाम पर बस खाना पूर्ति कर रही है। मामला उधम सिंह नगर के दिनेशपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहाँ पर आज दिनेशपुर की जनता ने प्रभारी चिकित्सक से परेशान होकर उनके खिलाफ धरना दिया और प्रदर्शन कर खूब नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि डॉक्टर आए दिन मरीजों के साथ दुर्व्यवहार कर लापरवाही करता है, जिसके चलते कई मरीजों की मौत भी हो गई। कई बार स्वास्थ्य विभाग को कई बार सूचना दी गई, लेकिन इस पर कोई भी असर नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर स्वास्थ्य विभाग 1 जनवरी तक कोई कार्रवाई नहीं करता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं इस मामले में स्वास्थ्य विभाग से आए डॉक्टर उदय शंकर का कहना है कि हम आपके शिकायती पत्र को महानिदेशालय भेज रहे हैं, हमारे द्वारा इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिलीभगत है, सीधे तौर से कह सकते हैं, क्योंकि कई न्यूज़ आर्टिकल पहले भी हमने पढ़े जिसमें बोला गया है कि डीएम द्वारा कि इसकी पुष्टि की गई है कि इन्हें रिश्वत लिया था। उसके बाद कई बार ज्ञापन गए और कई बार इनके मामले हमारे मीडिया के माध्यम से, और कई ऐसे परिवार है, पीड़ित परिवार, जिन्होंने मुकदमा भी दर्ज करवाया है। परंतु कहीं ना कहीं ये जो डॉक्टर हैं यहाँ के, इस डॉक्टर का जो पांडे हैं, सुनने में आ रहा है कि इनकी पहुँच बहुत दूर तक है और कोई कार्रवाई नहीं होती, ये मामले को दबा दिया जाता है। और कहीं ना कहीं एक दुख की बात है कि दिनेशपुर के अंदर लाखों की संख्या में जनता है और यहाँ जो हॉस्पिटल है इसका उच्चीकरण नहीं है, एक ही डॉक्टर है, और जिस कारण यहाँ पर जो मरीजें होती हैं हर दूसरे दिन, आए दिन हमें मरीजों की मौत की खबर सुनने को मिलती है, जो बड़ा दुखदायक क्षेत्र के लिए। और कई बार कंप्लेंट होने के बावजूद भी कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुई। अगर अब की बार कोई कार्रवाई नहीं होती, उचित कार्रवाई नहीं होती है, तो हम जितने भी युवा हैं जो आज धरने में बैठे थे, आने वाले टाइम में अनिश्चितकाल धरने में बैठने के लिए मजबूर होंगे। और स्वास्थ्य विभाग की इस प्रकार से, जहाँ कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, यहाँ आज देखा जा रहा है कि भगवान का रूप नहीं, दानव का रूप है। जो पेशेंट बाहर तड़फ रहा है और डॉक्टर बाहर आके देखने को राजी नहीं है, और बहुत दुख की बात है। उस परिवार से मिला हूँ, उस परिवार ने जो व्यथा है, एक बच्चा खोया अपना 32 साल का, वो जो आने वाले समय में भविष्य में बहुत कुछ कर सकता था देश के लिए, दुख की बात है एक ऐसे डॉक्टर की वजह से उसको अपना जीवन देना पड़ा जो डॉक्टर होने लायक ही नहीं है। हम लोग से भी हमारे यहाँ पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो डॉक्टर साहब है, उनके व्यवहार आचरण के कारण जो हमारे लोगों को परेशानियाँ हो रही है, जो लोग युवा लोगों की मौतें हो रही हैं, किसी बुजुर्ग के साथ अशोभनीय व्यवहार हो रहा है, हम इसके खिलाफ आज यहाँ पर बैठे हैं। इनके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें हुई हैं, डीएम लेवल तक हुई है, लेकिन आज तक उनको यहाँ तक बर्खास्त नहीं किया गया है। तो हम चाह रहे हैं, आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि इस डॉक्टर को यहाँ से तत्काल प्रभाव से यहाँ से बर्खास्त कर दिया जाए और यहाँ पर नए डॉक्टर की नियुक्ति की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आज युवा लोग एक सांकेतिक धरना दे रहे हैं, आगामी हम इस पर एक बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। आज दिनेशपुर क्षेत्र के तमाम युवा आंदोलन कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि कल हमारे एक 32 साल का युवा साथी डॉक्टर की लापरवाही के चलते आज हमारे बीच नहीं है। इस डॉक्टर की शिकायत सिर्फ आज ही नहीं, ये पिछले 3 सालों से लगातार शिकायतें मिल रही है। और डॉक्टर का व्यवहार तो इतना ज़्यादा ख़राब है, जबकि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। ये हमारा दिनेशपुर जो क्षेत्र है, ये आर्थिक रूप से कमज़ोर है, पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई भी अगर किसी को स्वास्थ्य समस्या आती है तो सबसे पहले इसी दिनेशपुर केंद्र में आते हैं, लेकिन डॉक्टर के व्यवहार और उनका सबसे पहले ये रहता है कि आप दूसरे स्थान पर ले जाइए। आप डॉक्टर हैं, आपका मुख्य काम है कि प्राथमिक उपचार देना, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र से बाहर है तो आप अन्यत्र उनको स्थानांतरण करें, लेकिन वो पहले ही मना कर देते हैं। तो इस तरीके के व्यवहार के चलते हमारे कई लोग जा चुके हैं, जान गंवा चुके हैं, और हम आज आंदोलन कर रहे हैं। अगर डॉक्टर की यहाँ से बर्खास्तगी, यहाँ से स्थानांतरण 1 जनवरी तक नहीं होता है तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बात दोंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ना है, कल हमारे वार्ड नंबर 7 के निवासी देवव्रत मंडल जी की मौत हो जाती है। उनके परिवार वाले सुबह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिनेशपुर लेके आते हैं, उसके बाद डॉक्टर साहब को सूचना दी जाती है कि भैया एक पेशेंट है, आप उसका इलाज करिए, लेकिन डॉक्टर साहब के द्वारा कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, ना उनको ट्रीटमेंट इलाज मुहैया करा जाता है। इलाज के बिना उस युवा साथी की मौत हो जाती है, ये बहुत दुखद घटना है, जिसके कारण आज हमने सांकेतिक धरना दिया है युवा साथी द्वारा दिनेशपुर के। और हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द डॉक्टर को यहाँ से हटाया जाए। विगत 18 अगस्त को मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी से मिला था और एक ज्ञापन दिया था, डॉक्टर के पुराने जितने प्रकरण थे, इससे पहले एक प्रकरण था जो पैसे लेकर इन्होंने सर्टिफिकेट बनाया, इन्होंने 40 सर्टिफिकेट, उस पर भी इन्होंने माननीय डीएम मैडम रंजना राजगुरु द्वारा इनको पुष्टि की गई, उसमें भी ये जांच में बिल्कुल पुष्टि में है कि डॉक्टर साहब दोषी हैं। मैं शासन से इतने
जांच होने के बाद भी, दोषी होने के बाद भी पता नहीं क्यों नहीं हट रहा। तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि डॉक्टर को जल्द से जल्द हटाया जाए और दिनेशपुर को अच्छा डॉक्टर मिले और अच्छा स्वास्थ्य सेवा मिले। इसको महानिदेशालय महानिदेशक को संदर्भित कर दूंगा, इसमें कहीं कोई आपको डाउट करने की गुंजाइश नहीं है। आप इस बात को आश्वस्त रहें, कभी भी स्वास्थ्य विभाग लिपापोती नहीं करती है। जो अनुसार क्रिया होती है, प्रक्रिया के अनुसार जो भी होता है वो अपने 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 हिसाब से करती है, और इसमें कभी इस बात को ना सोचें कि स्वास्थ्य विभाग कहीं लिपापोती करती है, क्योंकि हम भी एक आपके पार्ट हैं, हम भी आपके एक पार्ट हैं, और हम भी एक एक तरह से समझिए कि एक आप ही की तरह मैं भी आदमी हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं अलग से हूँ। तो यदि आपके साथ लापरवाही होती है तो मेरे साथ भी लापरवाही हो सकती है भाई। मैं भी कहीं आता हूँ, मैं भी कहीं जाता हूँ, तो सभी जगह नहीं होती कि लोग जानकारी के होते हैं, लेकिन इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं सोचनी है कि स्वास्थ्य विभाग कहीं लापरवाही करती है। लापरवाही होती है, शासन के जाता है, शासन के अनुसार जो भी होती है प्रक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है, उसका स्वयं निराकरण होता है। जैसा निराकरण का रास्ता होता है स्वयं डिसाइड करती है, स्वयं वो करती है, अपने आप स्वयं करती है, विभाग स्वयं करता है।